हे गाइस, सत श्री अकाल सारिआं नूं। कीवें सारे जाणे, होप कि तुसीं सारे जाणे वधिया होवोगे। सो अज दा टॉपिक है आदि पुरुष, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा विच आ। सो मैं कहना चाहवांगी, इन्हां ने ये मूवी की सोच के बनाई है। मतलब कुछ भी इसमें वो नहीं है कि भाई कुछ रामायण से इंस्पायर हो। ये तो ऐसे जैसे रावण को बना दिया है अलाउद्दीन खिलजी, और राम को तो पता ही नहीं क्या बना दिया है। ये सारी मूवी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक मैजिशियन जैसे शो में गए होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था। तो मुझे इसमें कुछ भी धर्म या कोई भी ऐसा गूजबम वाला कुछ भी दिखा नहीं है। तो ऐसी मूवी तो वैसे भी लगनी ही नहीं चाहिए जो कि सबकी भावनाओं पे भावनाओं को चोट करे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार मूवी है। मुझे नहीं लगता किसी को भी देखने जानी चाहिए ये मूवी। माता सीता जी को इन्होंने क्या ही बना दिया, इतना ज़्यादा बोल्ड बना दिया है। और भाई सो भगवान राम की छवि कैसी थी और इन्होंने कैसी बना दी। माता सीता जी की छवि कैसी थी, इन्होंने कैसी ही बना दी। और इसके वो डायलॉग, ठीक है इन्होंने डायलॉग अभी चेंज कर दिए हैं, लंका तेरे, लंका तेरी, कपड़ा तेरी लंका का, है ना, ये सब ऐसे डालने से जो इतने VFX इन्होंने डाले हुए हैं, इससे ये सोचते हैं कि भाई ये चल जाएगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, ये तेरे बाप का भी जाए, ये सारे डायलॉग इसमें होने चाहिए थे। और रावण जिसकी लंका एक है ना सोने की थी, स्वर्ण की उनकी लंका थी, वो पता नहीं क्या बना दिया है, गुफा सी। और जिसके पास एक पुष्पक विमान था बहुत ही सुंदर, और वो चमगादड़ है ना बैटमैन पे बैठ के आ रहा है सीता को लेने। टोटली अपसेट वाली मूवी है। इसके डायलॉग, अरे भाई मनोज भाई ये क्या ही कर दिया, इतने छपरी डायलॉग डाल दिए इसके अंदर। और हनुमान जी को इन्होंने क्या बना दिया, वो प्रणाम करने की जगह सलाम कर रहा है, भाई प्रणाम करना था। और हाँ उनकी छवि ऐसी थी जैसे कंचन वरन विराज सुवेरा कानन कुंडन कुंचित केसा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप सुनहरे रंग के हैं, सुंदर वस्त्रों, कानों में है ना कुंडन और गुंगराले वालों जैसे हैं, और इसमें क्या बना दिया। और हाँ ये कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, वो एक भक्त थे। भक्त तो थे ही लेकिन वो भगवान भी थे भाई। शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, तो ये भगवान शंकर जी के अवतार थे और बहुत ही तेजस्वी थे, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी मैच कर रहा है, ये वो नहीं था, वो नहीं था। इनके हिसाब से जो इन्होंने बनाया वो परफेक्ट था, लेकिन बिल्कुल बेकार था। और सीता माता जी का डायलॉग जब रावण उनके पास आता है, वो भी आप सुनिए कैसा है। ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ भी है ना इस मूवी के बारे में नहीं समझ आ रहा। मतलब इतनी इन्होंने क्या ही सोच के ये मूवी बना दी है। इतना सुंदर वर्णन, इनसे अच्छे तो जापानीज है जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी 2 घंटे 10 मिनट में बनाई, और इन्होंने 3 घंटे में। अगर रामानंद सागर वाली मूवी अब लगती ना, तो ये जो 600 करोड़ है ना, तो इनका तो जाता, वो एक ही दिन में कितने कमा लेती। जिसने पूरी तब की टेक्निक्स और अब की है ना कुछ भी, इनको तो और अच्छी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया रामायण मूवी का। और जो सबको सबकी जो है इमोशंस के साथ खेला है, और जो जो भगवान को मानते हैं, वो ये मूवी देख के क्या ही सीखेंगे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे। ये हृदय रख लो जानकी, रख लो सर मेरे साथ, मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। ये कैसा प्रेम है रावण, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और हाँ मेघनाथ जो काफी अच्छा वॉरियर था, इंद्र से उसने है ना जीता था, और उसको इंद्रजीत भी कहा गया, उसको क्या ही बना दिया, एक टैटू आर्टिस्ट बना दिया उसको। और लक्ष्मण को और विभीषण को क्या बना दिया इन्होंने, जिसने सारी रामायण में राम जी की हेल्प की। और हाँ जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने वो वरदान दे दिया जो हिरण्यकश्यप को दिया हुआ था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में, ना मैं अंदर मरूँ, ना मैं बाहर, ना वानर, ये कुछ भी नहीं था। रावण ने तो
रावण इतना ज्यादा अहंकार उसके अंदर आ गया था, ठीक है कि वो काफी ज्यादा थे महापुरुष, लेकिन उन्होंने ये वरदान सारे मांगे थे, लेकिन मानव और ऐसे वानरों को छोड़ के उनको यही लगता था कि ये मेरा नाश नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, रावण का इन्होंने जो क्या कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा था वरदान, वो सारा उल्ट कर दिया और किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। मतलब इन्होंने क्या ही रिसर्च की थी रामायण के बारे में कि वो कैसी है, मतलब कैसी पिछली, यार पिछली वाली देख लेते आप, उससे ही आपको हिंट मिल जाते कि कैसी बनती है, क्या क्या था उसमें, और कैसे उन्होंने डायलॉग्स बोले थे, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोले थे, ना कि ये है ना तेरे बुआ का बगीचा है बाप लंक क्या कहते हैं आग तेरे बाप की, है ना, तो ये सारे डायलॉग चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मूवी है, और हाँ देखने तो मत ही जाइएगा, बेकार, बैन तो होनी ही चाहिए ऐसी मूवी। सो बॉलीवुड वालों से हम क्या ही उपेक्षा कर सकते हैं धर्मों की मूवी बनाने में, भाई साहब हाथ जोड़े हैं, धर्मों वाली कोई मूवी मत बनाइए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, आप अपने ही जो ये चोचलापन वाली मूवी है ना वही बनाइए, ये मूवी तो मत बनाइए, क्योंकि इसने सारी ऑडियंस को ही कर दिया है खराब, है ना, जितना मर्जी इसमें सुधार कर लीजिए, लेकिन ये जो आपने करेक्टर्स बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, और इनकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो भावना से ही नहीं बनाई, ठीक है ना, जो अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मैं ये करेक्टर कर रहा हूँ, मुझे उसके अंदर तक जाना है, और हाँ ये भगवान है, ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, वो ये है बस ये वो, ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छी मूवी है या इसको थम्स अप देना चाहिए। सो यही था इसका रिव्यू आदिपुरुष का। आप सब कमेंट में बताइएगा कि अगर आप गलती से भी देखने चले गए हैं तो आपको वहां बैठकर कैसा फील हुआ, या ऐसे लगा कि हाँ भाई अब तो हमें अपने चप्पल उठानी चाहिए और है ना करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार मूवी है, और आप इसको ना ही देखने जाइए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ भी वो नहीं है कि जो हमारी आगे की जनरेशन या हमारे बच्चों पे करेगा, वो तो अगर हम अपने बच्चों को दिखाएंगे ना ये मूवी, वो ऐसा ही समझेगी जैसा उस करेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, उन पर गलत असर पड़ेगा। आप रामानंद सागर वाली उनको मूवी दिखाइए, जापानीज वाली आई है कार्टून वाली दिखाइए, वो बहुत ही इससे कई गुना अच्छी है। सो बाय बाय, आप अपना रिव्यू जरूर दें, राम राम।